हेलो दोस्तों, आप सबका अपना गोल्डन भैया आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा है, जिसे आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको अवगत भी करा दूं, आप जानते भी हो हमारे देश में इतना ज़्यादा महामारी, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग मर रहे हैं महामारी में। और हमारे देश में जो कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं, एक ICMR है, एक भारत बायोटेक है, एक कोशील्ड वैक्सीन बना रही है, दूसरा कोवैक्सीन, और दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। जो पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोशील्ड, दोनों में डिफरेंस इतना है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लगवाया था कोवैक्सीन, जो पूर्णतः स्वदेशी है, हमारे देश में बनाई गई है, ये 81% कारगर है। और जो दूसरी वाली है कोशील्ड वैक्सीन, ये समथिंग 70 या 71% कारगर है। और अब मैं थोड़ा सा देश के बाहर जाना चाहूँगा, अमेरिका में, USA में, तो वहाँ की जो वैक्सीन है फाइजर, वो 95% कारगर है। बस यही डिफरेंस है, वो 95% है, वी 81%, वो 70%। और ब्रिटेन, इसराइल और बहुत सारी कंट्रियों ने उसे लिया भी है और उसका रिजल्ट भी बहुत ठीक ठाक रहा। हमारी वैक्सीन का रिजल्ट बहुत बढ़िया है और उनका भी बहुत बढ़िया है। सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सर मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात तो सर आप सुनते ही हो, क्या हम हमारे जो देश में बेस्ट कंपनियाँ हैं, हमारे जो देश की फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत उच्च लेवल की है, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, यार हम सर उनको क्यों नहीं दे सकते हैं वो फार्मूला जिससे हमारी बहुत सारी वैक्सीन बने, 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ में सारी वैक्सीन बन के तैयार हो जाएंगी। और जो हमारे यहाँ कैजुअल्टी हो रही है, लोग मर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट सर ये आपको ये डिसीजन लेना है। मुझ जैसे इंसान की बस की बात नहीं है मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाऊँ, ना तो मेरे पास उतना पावर है सर, ये सर आप ही कर सकते हो। मैं आम आदमी हूँ सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सर, मेरी आपसे विनती है सर कि आप ऐसे डिसीजन को लें। और अभी हाल ही में अमेरिका ने, USA ने ऑफिशियली कहा है कि मैं भारत को $70 मिलियन इंडियन रुपीज समथिंग 500 करोड़ की वैक्सीन मैं फ्री दूंगा। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि यार वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो शायद हो सकता है ना ही मिल पाए, नहीं मिलेगी, वो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि आखिर वो क्या रीजन है, वो क्या रीजन है सर, आपको ही बताना पड़ेगा। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, मैं अपनी भी रिसर्च से रखूंगा, वो क्या रीजन है कि हम ये फार्मूला नहीं दे सकते, और हम फार्मूला क्यों नहीं दे सकते, ये भी सर मैं आम आदमी हूँ सर, मेरा अधिकार है जानने का और मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये हमारी पीड़ा है सर, आप समझोगे, मुझे पूरा उम्मीद है सर। और आप बहुत जल्दी सर ऐसा कोई कदम उठाओगे जिससे हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचे। और हाँ यार, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से बताना भूल गया, हमारा पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, हमने सर पाकिस्तान को वैक्सीन दी है। मैं जानता हूँ वो देश हमारे साथ जीवन में कभी नहीं खड़ा होगा, हमेशा उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो गलत ही रहती है, लेकिन हमने इंसानियत के नाते, जब हमारे यहाँ कैजुअल्टी हो रही है, लोग मर रहे हैं, उस वक्त भी हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारे एहसान को आपको जीवन में याद रखना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या किया है, जिस समय भुखमरी, महामारी हमारे देश में, गरीबी और लोग मर रहे हैं, सब कुछ फैला हुआ है, उस टाइम में मैंने आपकी मदद की है, आपको जीवन भर हमारा एहसान मानना चाहिए। इस समय सर हमारे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय सर हमारे लिए लोगों की जानें इंपॉर्टेंट है। तो या तो हम वैक्सीन की क्षमता को बढ़ा दें और भी कंपनियों को दें, इस समय हमारे हर एक इंसान की जान प्यारी है। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप बहुत जल्दी कोई ऐसा फैसला लोगे जिससे हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचाया जा सकेगी। और मुझ जैसा आम आदमी सर आपसे पूछ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो, प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं सर आप हमारी वीडियो देखोगे नहीं, मैं छोटा आदमी हूं, आप तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन सर हमारी ये पीड़ा है सर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और मैं देख रहा हूं यार, इस समय जब महामारी का दौर है, भुखमरी का दौर है सर, लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार की राजनीति देखो, 24 आवर्स यार मैं देख रहा हूं वहां क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो सर, दुनिया मर रही है, हमारा देश, हम रिक्शे वाले भी बात नहीं करते, ठेले वाले भी बात नहीं करते, लोग मर रहे हैं खाने के लिए सर, कोई अगर काम भी कर रहा है तो हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं सर।
रिक्शा वाला सर बिना खाए मर रहा है, पानी तक नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए। बाकी सर आप बहुत समझदार हैं सर, आपसे क्या, आप तो माई बाप हैं सर हमारे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री, तो हमारा आपसे हक बनता है और मैं आपसे पूछूंगा सर बहुत जल्दी आप कोई बहुत बड़ा सा बड़ा फैसला लें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ के सर मैं आम आदमी आपसे विनती कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सर कि आप बहुत जल्दी ऐसा कोई फैसला लेंगे जिससे हमारे देश का उद्धार होगा सर, वो आपके हाथों में ही है सर इस समय। बाकी जय हिंद जय भारत, मैं एक देश का सच्चा नागरिक हूँ। और आप लोग भी बोलोगे यार विवेक तुम किन टॉपिकों पे बोल रहे हो, यार मुझे लगता है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलूँगा, आप यार डंके के चोट पे बोलूँगा।